नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 डेज प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, UGC नेट के लिए 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली अब लेफ्ट रह चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर UGC नेट इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, अगर आप कुछ और सेपरेट तैयारी करो या ना करो, लेकिन इन 15 पॉइंट्स को मिस मत करना, क्योंकि ये 15 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेशन इन्हीं क्वेश्चनों में से होती रहती है या फिर इन्हीं टॉपिक्स में से होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी टॉपिक 1 से, ठीक है। और इसीलिए हमने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाई थी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम करने वाले हैं एग्रीगेट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सभी सब्जेक्टों की। तो दोस्तों, नंबर 1 टॉपिक है इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स एंड देयर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि UGC एंड में ये काफ़ी रिपीटेशन क्वेश्चन है। इन्फीरियर गुड्स के साथ इनकम का कैसा रिलेशन है या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है गिफन गुड्स में या फिर इन्फीरियर गुड्स में या फिर लग्जरी के मामले में या फिर नेसेसरी गुड्स के मामले में। और इसी से जुड़ा हुआ है एक कर्व, दैट इज एंजल कर्व। तो ये वाला टॉपिक आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए इसके बारे में बेसिक्स। और नेक्स्ट टॉपिक है 4 मार्केट कंडीशंस। अब यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो श्योरिटी है 100%, तो क्यों ना इन 4 पॉइंटों को अच्छी तरह से याद कर लिया जाए कि हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो जाएं। मतलब 4 नंबर की यहाँ से श्योरिटी 101% है इन 4 मार्केट कंडीशन से। और ओलिगोपोली के साथ ही जुड़ा हुआ है ड्यूओपोलीज की मार्केट। और इन्हीं सभी टॉपिक्स के पास हमारे ऑलरेडी वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएंगी। ओके, थर्ड टॉपिक है इनपुट आउटपुट मॉडल। देखो, ये वाला टॉपिक एक ऐसा है जो छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से श्योरिटी बनती है क्वेश्चन की, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पुट हुए हैं। और इसको आप इसकी आपकी वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पे इनपुट आउटपुट मॉडल की। और नेक्स्ट में है टॉपिक 4, कॉब डॉगलस एंड CES प्रोडक्शन फंक्शन। दोस्तों, पिछले नवंबर 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से कॉब डॉगलस में से भी और CES प्रोडक्शन फंक्शन से भी कुछ नहीं आया था। मीन्स क्या, अब चांसेस हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, और इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। और फिफ्थ है फिलिप कर्व। और फिलिप कर्व भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को हैं। लाइक फिलिप कर्व स्टैटिक है या अडेप्टिव है, लॉन्ग रन में फिलिप कर्व कैसी होती है, शॉर्ट रन में कैसी होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी चैनल पर। और दोस्तों, टॉपिक 6 है 4 मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज़। अब ये वाली 4 थ्योरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो श्योरिटी है कि आएंगे ही आएंगे। मतलब एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, दैट इज़ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके क्रोनोलॉजिकल याद कर लेना। और जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, ये वाली इन 4 में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ड्यूजनबेरी की थ्योरी बार बार पूछता है। मतलब रैचेट इफेक्ट पूछे या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पूछे, यहाँ से पूछता है। और इसकी भी आपको वीडियो ईजिली मिल जाएगी ग्रुप में। ओके, टॉपिक 7 है क्लासिकल वर्सेस केंजियन। अब इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्लासिकल की अजम्पशंस क्या हैं, क्लासिकल मनी के बारे में क्या कहते हैं, क्लासिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, या क्लासिकल इक्विलिब्रियम कहाँ क्रिएट करते हैं अपना, और उसके बाद केंज। देखो, क्लासिकल और केंज में थोड़ा सा अपोजिट रिलेशन है। क्लासिकल जितनी बातें कहता है, मोस्टली क्या होता है, केंज उसको क्रिटिसाइज़ करता है। तो इसलिए अगर आप क्लासिकल की थ्योरी पढ़ते हो तो आपको केंजियन के पॉइंट जो हैं वो फ्री में मिल जाएंगे। बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्लासिकल पे, और केंज ने उन टॉपिक्स को थोड़े से मॉडिफाइड किए हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। और इसी के रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगी ग्रुप में, जो हमने बहुत पहले पोस्ट की थी, क्लासिकल वर्सेज केंजियन, दैट इज़ कंपेरेटिव स्टडी। और उसके बाद टॉपिक 8 है कॉब वेब मॉडल। दोस्तों, ये वेब भी काफ़ी कॉब वेब मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से वो जो
डैम्प्ड ओसिलेशन है या फिर एक्सप्लोसिव ओसिलेशन है, उनमें से क्वेश्चन पूछता है। ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक 9। टॉपिक 9 है ISLM अप्रोच, और ISLM अप्रोच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी रिपीटेशन तो होती ही है। और टॉपिक 10 है स्टैटिस्टिक्स का, टी टेस्ट। ये दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में भी आपके काम आ जाएगा और इकोनोमेट्रिक्स में भी आपके काम आ जाएगा, दैट इज़ टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्केयर टेस्ट। तो इन चारों टेस्टों में से भी एक या दो क्वेश्चन श्योर है कि आ सकता है या फिर आएगा। ओके, टॉपिक 11 दैट इज़ ऑटो कोरिलेशन एंड हेट्रोस्टैटिसिटी। दोस्तों ये टॉपिक इकोनोमेट्रिक्स का है, ऑटो कोरिलेशन की वो जस्ट ऑटो कोरिलेशन और हेट्रोस्टैटिसिटी की वो ये पूछता है कई बार कि इनके टेस्ट किससे किससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और टॉपिक 12 भी इकोनोमेट्रिक्स का है, दैट इज़ OLS एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 13 टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, कुर्तोजेज। इन सब की वीडियोस आपको चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स से मिल जाएंगी, और ये वाला टॉपिक भी 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक को या दो क्वेश्चन पहले UGC नेट एग्ज़ाम पेपर 2 में आते थे, अब हो सकता है पेपर मर्ज है तो आने की श्योरिटी यहाँ से पूरी है। और टॉपिक 14 है डिवेल्यूएशन थ्योरीज। डिवेल्यूएशन थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड में से, तो डिवेल्यूएशन की थ्योरी जैसे मार्शल रनल कंडीशन, अब्सॉर्प्शन अप्रोचन, दैट इज़ अब्सॉर्प्शन अप्रोच, या फिर जो एक एक्सपेंडिचर स्विचिंग एंड एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी है वो, और डिवेल्यूएशन एंड BOP, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों पब्लिक बजट। तो पब्लिक बजट 2018 का क्या था वो थोड़ा याद कर लेना, उसकी की हाईलाइट्स याद कर लेना थोड़े बहुत, और उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, टारगेट क्या है और टारगेट कितना था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनके इम्पोर्टेंट, उनको तो आप कर लेना बेसिक, इन 15 पॉइंट को मिस मत करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।